गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम हैं इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापार और देखिए आज माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत यहां पर बैटरी टेस्ट होने हैं और ये सभी बच्चे आ गए हैं। एज ग्रुप के हिसाब से इनकी लाइन लगाई गई है और बच्चों की उपस्थिति वगैरह हो रही है ताकि कोई भी बच्चा छूट ना पाए। और बाकी जो पेरेंट्स वगैरह हमारे वो स्टेडियम में ऊपर बैठे हैं और ऑफिशियल्स हमारे यहाँ नीचे हैं और सब बहुत तन्मयता से ये प्रतियोगिता संपादित कराएंगे। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मिस्टर पाल सर, ये माननीय मुख्यमंत्री योजना चल रही है, सर क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। मुख्यमंत्री योजना का जो ये आज तीसरा साल, आई थिंक थर्ड ईयर है और है, तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम। आज का जो ये जिला स्तरीय ये जो ट्रायल चयन ट्रायल है, चयन प्रतियोगिता या जो भी चयन ट्रायल है जी, बालिका वर्ग का आज इसमें होना है जी। सभी 8 से 14 साल की बालक जी, सभी वर्ग की बालक जी जी। अभी बैटरी टेस्ट होने से पूर्व ये सब बच्चों को एज ग्रुप के हिसाब से लाइनअप करवा रहे हैं ताकि कोई बच्चा छूटे ना, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और सारे बच्चे जब उपस्थित हो जाएंगे तो प्रतियोगिता भी प्रारंभ कर दी जाएगी। और अभी हमें 6x10 शटल रन, माननीय मुख्यमंत्री उन्नयन खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के तहत आज जिला नैनीताल की ये प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी नैनीताल में। और इधर मेडिसन बॉल पट तीन ही होता है सर। वेरी गुड। सामने हमारे शटल रनिंग चल रही है बच्चों की 6x10 मीटर और ये दोस्त लोग हमारे ये भी कवरेज कर रहे हैं इसको और बहुत शालीनता से ये टूर्नामेंट हमारा चल रहा है। इधर आपको दिखाते हैं, चलिए फॉरवर्ड बैंड रीच जो प्रतियोगिता है वो हमारी इधर संपादित होगी। आ जाओ आज ये फॉरवर्ड बैंड रीच चैम्पियनशिप, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को जो है चेक किया जाता है। वाओ, गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। दिभागी और एक बार और देखिए फ्रंट से, बहुत बढ़िया, शाबाश यार। फोटो में जो हमारी बढ़िया फोटो निकालते भाई साहब हमारे, हेलो सर। दौड़ जिसको कंडक्ट करा रही हैं श्रीमती ममता जोशी पाठक, मिस्टर आरिफ, श्रीमती अंजू कांडपाल, मिस्टर महेश और अन्य हमारे साथी। छः सौ मीटर दौड़ बालिकाओं की प्रगति पर है। और ये फिनिशिंग नंबर 1, 2 और 3, 4। तीस मीटर फ्लाइंग रन, जबकि मेरा गेम नहीं है। मेरा नाम महेश सिंह मिस्टर,
मैं इसी खेल विभाग में कार्यरत हूँ एथलेटिक कोच पद पर। जी एथलेटिक कोच, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं सर जी, विगत वर्षों की बात ही इस वर्ष भी काफ़ी इस प्रोत्साहन राशि से काफ़ी लाभ मिला है बच्चों को जी। मैं सरकार से गुजारिश चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं इस प्रतिभा को जो आगे बढ़ाना चाह रहे हैं जी, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि इस प्रतिभा को और निखारिए ताकि ये बच्चा वो जरूरतमंद उन बच्चों को ये प्रोत्साहन राशि मिले जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है जी। जो अभी मैं आपको पिछले साल की एक बताता हूँ, अभी एक बच्ची है वो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रही है इसी प्रोत्साहन राशि से। ओके, अभी वो दिल्ली स्टेट में मेडल लेके आई है। गुड, तो सरकार से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास वो वीडियो भी है, अगर आप बताएंगे तो इस प्रोत्साहन राशि का पूरा फायदा उठा रही हो जी, और दिल्ली स्टेट में इस बार गोल्ड मेडल लेके आई है 800 मीटर में, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और उसका ड्रीम है कि मैं भी एक, अभी आपने देखा होगा अंकिता वो लड़की है जो हमारे एथलेटिक में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया जी, अगस्त मुनि हॉस्टल में रही हो उसको फॉलो कर रही है। जब ऐसा बच्चों के अंदर डेडिकेशन देखेगा तो बहुत, ये बैटरी टेस्ट के साथ साथ इन बच्चों को इसका पता भी होना चाहिए कि ये एक्चुअल में है क्या, और इनका इनका फीडबैक, इनके जो कोच साहब लोग हैं इनको और आगे पुश करें जी, और भविष्य में ये आगे चलते रहे। मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, आप सभी कोचेस और मैनेजर जितने भी जो अपने छोटा छोटा जहाँ भी कैम्प कर रहे हैं, इन बच्चों को और आगे पुश कीजिए ताकि भविष्य में एक हमारे उत्तराखंड से भी और जितने 2-3 ओलंपियन हैं वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो आयोजन है इसमें कोई सुझाव आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से और क्या होना चाहिए? सुझाव सर, पहली बात तो हमारे यहाँ एक एथलेटिक का एक पहली बात सिंथेटिक ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है जी। इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है हमारे पास, एक एथलेटिक का ट्रैक नहीं है जी। आप देख रहे होंगे हमारे पास, एक बार घुमा के देखेंगे, हमारे पास 200 मीटर ट्रैक हमने बनाया जी, जबकि मानक ये कहता है जी कि जो ये 600 मीटर है जी वो 400 मीटर के ट्रैक पे ट्रैक पर होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि जो एक एथलीट है उसके पास ये कर्व ज्यादा बड़ा हो जाता है, बिल्कुल, वो कर्व काटने में उसको टाइम लगता है। अगर 800 मीटर अगर हम देखेंगे तो आप भी सर एक अच्छे एथलीट रहे, अच्छे स्तर पर खेले हैं, आप भी देखेंगे कर्व काटना बहुत टफ होता है, बहुत छोटे कर्व है इसमें। 200 मीटर के जो टाइमिंग जो एक्सपेक्टेशन है जो इन्हें साई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रखा है बहुत टफ है, जिससे वो टाइम कंज्यूम करना बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और मैं चाहता हूँ 400 मीटर के ट्रैक बने, और भविष्य में देखिए अब रुद्रपुर में 400 सिंथेटिक लग चुका है, हरिद्वार में है, पौड़ी में है सर, इतनी इतनी अच्छी जगह, जबकि जगह मेन हल्द्वानी इतना कुमाऊं का सबसे बड़ा द्वार में हम यहाँ खड़े हैं जी, हमारे पास एक एथलेटिक का ट्रैक नहीं है, महानगर है। अच्छा, इसी बात पे ट्रैक वाली बात आई तो एक बहुत बड़ी जो समस्या मैंने खिलाड़ियों के बीच भी देखी है, खिलाड़ियों से भी काफ़ी मेरी बातचीत हुई है, अभी आप एथलेटिक्स कोच हैं सर, नेशनल गेम होने हैं इस साल उत्तराखंड में, उसके लिए हमारे हल्द्वानी में अभी तक कोई एथलेटिक्स का ट्रैक नहीं है, तो बच्चे प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? सर देखिए, मैं अपनी बात आता हूँ, मेरे पास 380 मीटर का ट्रैक है मेरे पास जी, जहाँ मेरे पास मेरे बच्चे हैं जी, तो मेरे पास 380 मीटर ट्रैक है, तो फिर भी अभी सर मेरे पास 27 नेशनल प्लेयर हैं, जिसमें अभी नॉर्थ जोन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज था मेरा जी, मेरे तो स्टूडेंट प्रैक्टिस कहाँ करवा रहे हैं? प्रैक्टिस सर मेरा आप पाल कॉलेज में वहीं वहाँ ट्रैक है हाँ, और इस तरह असम गुवाहाटी मेरे क्रॉस कंट्री, लेकिन पाल कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज हो गया, तो क्या ओपन टू ऑल वहाँ प्रैक्टिस करने देते हैं बच्चों को? हाँ सर करने देते हैं। चलिए अच्छी बात है सर, इस टाइम मेरे पास अभी 37 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जी, जिसमें से 17 नेशनल प्लेयर मेरे पास है। ओके, और स्टेट नेशनल प्लेयर हैं, अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट हुआ था अपना अहमदाबाद में, वहाँ पे 7 स्टूडेंट मेरे जैसे जी, तो बेसिकली हुआ क्या, उन बच्चे ने सिंथेटिक ट्रैक में फर्स्ट टाइम कदम रखा जी सर, 600 मीटर 1:27 की लगाई उसने बच्चे ने। ओके, 1:27 की, कहीं ना कहीं सर हम ना इस ट्रैक से हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए मार खा जाते हैं, ठीक है। यही बात पुराने इतिहास की मैं बताता हूँ, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस में हमारा सर कुमाऊँ में उत्तराखंड में सबसे अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा है पिछले विगत कई वर्षों की बात है जी, लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे मेडलिस्ट भी रहे हैं, कई सारे भी इतने शिक्षा विभाग में इतने अच्छे एथलीट हैं, वो आज सर भी हमारे लॉन्ग डिस्टेंस रनर रहे जी, तो मिस्टर गुलियाल जी, ये सबसे चीज़ें ना सर, आपके पास इक्विपमेंट सिंथेटिक ट्रैक होना बहुत जरूरी है, इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम जब यहाँ है तो यहाँ 400 मीटर का ट्रैक होना चाहिए, ये आपकी भी डिमांड है। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।